Hello students, we are going to start with class 9 science. In our syllabus, we are going to read in a different manner. First of all, we are going to read conceptually. About all the topics of our chapter. Next, we are going to have a reading about the NCERT activities. मतलब हमें पता है कि NCERT में आपको बहुत सारी activities दी होती हैं, तो उन activities में क्या हमारा मतलब क्या topic है, क्या result है? एंड क्या एपरेटस हमें चाहिए, कौन सा कंसेप्ट उसमें यूज हो रहा है. एक क्लास हमारी होगी एनसीईआरटी एक्टिविटीज के बेस पे, सो दैट आपको सारी एक्टिविटीज क्लियर हो जाएं. एंड एट लास्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द एनसीईआरटी क्वेश्चंस. एनसीईआरटी क्वेश्चंस हमें पता है कि चाहे वो ब्लूप्रिंट क्वेश्चंस है, ब्लूप्रिंट मतलब इन टेक्स्ट क्वेश्चंस है, या फिर बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस है. स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाती है इन चीजों को लेके, दैट्स व्हाई बोथ द क्वेश्चंस आर इक्वली इंपॉर्टेंट. सो टुडे फर्स्टली वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द चैप्टर दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. Fundamental unit of life. इस चैप्टर में हमारे पास दो वर्ड्स हैं, दो वर्ड्स जो मेन हैं. द फर्स्ट वर्ड इज द फंडामेंटल एंड नेक्स्ट इज लाइफ. फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल मीन्स समथिंग दैट इज वेरी बेसिक. फंडामेंटल मीन्स बेसिक. एंड लाइफ मीन्स समथिंग लिविंग. बेसिकली लाइफ के बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसकी वजह से हम एक लाइफ को, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं. सो बेसिकली विद लाइफ वी मीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो हमारे चैप्टर की जो हेडिंग है उसका मतलब है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, मींस द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है क्या? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब है सेल. सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. इन बेसिक इट इज बोथ फंक्शनली बेसिक, फंक्शनली एज वेल एज स्ट्रक्चरली. मतलब लाइफ का कोई भी फंक्शनली बेसिक काम सेल के अंदर हो सकता है, और बेसिक स्ट्रक्चर किसी भी लाइफ फॉर्म का बेसिक स्ट्रक्चर भी एक सेल फॉर्म कर सकता है. सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द सेल. सेल इज अवर बेसिक टॉपिक ऑफ स्टडी. सेल की अब हमने बात शुरू कर ली है, तो लेट अस नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द सेल. हिस्ट्री में हमारे पास दो नाम है. फर्स्ट वन इज द रॉबर्ट हुक एंड नेक्स्ट वन इज ल्यूवेन हुक. रॉबर्ट हुक इन 1665 वॉज ऑब्जर्विंग द कॉक सेल्स. वो कॉक सेल्स को ऑब्जर्व कर रहा था. जब वो कॉक सेल्स को ऑब्जर्व कर रहा था तो उसने हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर्स देखे. नाउ व्हाट इज हनी कॉम?
दीज दीज आर हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर्स. तो रॉबर्ट हुक ने इन हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व किया. दिस इज हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर्स. कहां पे ऑब्जर्व किया? इन द कॉर्क सेल्स. कॉर्क इज बेसिकली अ स्ट्रक्चर, अ पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इज इम्परमीबल टू एवरीथिंग. ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने फर्स्टली सेल को ऑब्जर्व किया था. रॉबर्ट हुक इज द फर्स्ट वन टू ऑब्जर्व सेल. एंड इसने किस टाइप का सेल ऑब्जर्व किया था? इसने किया था डेड सेल, क्योंकि कॉर्क इज अ प्लांट सेल एंड कॉर्क इज अ डेड सेल. नाउ अप टू नेक्स्ट टॉपिक, लेट अस कम टू द ल्यूवेनहुक. ल्यूवेनहुक ने फर्स्ट लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था. ही ऑब्जर्व द फर्स्ट लिविंग सेल इन द ईयर 1678. फर्स्टली वी हैव टॉक अबाउट रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक ने डेड सेल, फर्स्ट डेड सेल को ऑब्जर्व किया, फर्स्ट सेल को ऑब्जर्व किया. एंड देन अबाउट टू ल्यूवेनहुक, उसने सेकेंड फर्स्टली लिविंग सेल को, फर्स्ट लिविंग सेल को ल्यूवेनहुक ने डिस्कवर किया बाय सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप. नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द सेल, इन द चैप्टर सेल, दैट इज द सेल थ्योरी. इन 1838, फर्स्टली इन 1838 श्क्लेडन एंड श्क्वान, इसका नाम आपको सुनने को मिलेगा, श्क्लेडन एंड श्क्वान. These are the two scientists who worked independently, but इनके postulates about the cell क्या थे? Same थे. In 1838. Now इसमें 20 years plus कर दो. Plus 20. So we got 1858. 1858 में हमारा scientist था, that was who modified this cell theory. This cell theory was modified by Robert Virchow. Sorry, Rudolf Virchow. What are the basic postulates of this theory? The basic postulates of this theory are: all the organisms are made up of cells. Cell is the basic unit of life. And जो रुडोल्फ ने मॉडिफाई करके पोस्टुलेट दिया था, that was included 20 years after the cell theory, that was new cells arise from pre-existing cells. Okay, that was all about the history of cell. History of cell में हमने 5 नाम पढ़े. First of all, we read about the Robert Hook. Robert Hook in 1665. Then Leeuwenhoek in 1678. Then in 1838, the cell theory was made.
एंड दिस वॉज इंडिपेंडेंटली मेड बाय टू साइंटिस्ट श्लेडन एंड स्क्वान. अल्टीमेटली रुडोल्फ विर्चो इन 1858 मॉडिफाइड दिस सेल थ्योरी. दिस वॉज ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द सेल. नाउ वी हैव रेड अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द सेल. सो नाउ लेट अस कम टू द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल. We can understand that cell can have different shapes and size. ठीक है, हमारी body है बहुत सारे types of cells की बनी हुई है. Let us first talk about the liver cell and the fat cell. Liver cell is hepatocyte, that is basically pentagonal in shape and they are the glandular cells. But fat cell जो होता है वो एक बड़ा सा cell है जिसमें fat stored होता है. ठीक है, now इस चीज को तो आपने समझ लिया कि cells can have many shapes and size. Shapes and size की example भी कर ली, but why and how? See, लिवर सेल ने क्या काम करना है? लिवर सेल ने काम करना है स्टोरेज का. ठीक है, ये चीज तो आपको समझ आ रही है ना कि लिवर का काम क्या है. लिवर का काम फर्स्ट तो बाइल जूस को सिक्रीट करना है, नेक्स्ट इज ग्लाइकोजन के फॉर्म में एनर्जी क्या लिवर स्टोर करता है. एंड ऑन द अदर हैंड फैट सेल क्या स्टोर करता है? फैट सेल स्टोर्स द फैट एंड एक्ट्स एज कुशन, प्रोटेक्टिव कुशन. आपको पता है गर्मियों में सर्दियों में हमारी स्किन जो है वो हमें बचाती है. तो सर्दियों में बेसिकली जो एडिपोज टिश्यू है, जो फैट टिश्यू है, वो किसके लिए जाना जाता है? वो हमें इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए जाना जाता है. थस वी कैन से दैट सेल्स कैन हैव मेनी शेप्स एंड साइज एंड दीज शेप्स एंड साइज आर अकॉर्डिंग टू the function that a cell has to perform. Nerve cell की बात देखी आपने. Nerve cell is the longest cell. Nerve cell is the longest cell. नर्व सेल लॉन्गेस्ट सेल होता क्यों है? क्योंकि उसने क्या ट्रांसमिट करना है? उसने ब्रेन को मैसेजेस ट्रांसमिट करने हैं. थस इट हैज टू बी लॉन्ग. अगर वो लॉन्ग नहीं होगा तो वो सिग्नल्स ट्रांसमिट कैसे करेगा? ठीक है, इन द सेम वे जो लिवर सेल है, अगर उसकी ऐसी शेप नहीं होगी तो वो अपना फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाएगा. एवरी सेल इज बेस्ट अडेप्टेड टू इट्स फंक्शन अकॉर्डिंग टू इट्स शेप एंड साइज. नाउ शेप्स एंड साइज की बात हो गई, नाउ हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स की. ऑन द बेसिस ऑफ सेल वी हैव डिवाइडेड द ऑर्गेनिजम्स इनटू मेनी टाइप्स. हाउ? लेट अस सी. The first kind of organisms that we can divide is on the base of cell number. किसी भी cell में, किसी भी organism में एक cell है तो that organism is known as the unicellular organism. किसी भी organism में more than one cell है then that organism is known as
मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सेल नंबर ऑर्गेनिजम्स कैन बी यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टी सेलुलर. नाउ नेक्स्ट काइंड ऑफ डिविजन इज ऑन द बेस ऑफ सेल टाइप. दो टाइप्स के सेल होते हैं हमारे, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल. तो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के अकॉर्डिंग हमारे ऑर्गेनिजम्स भी वैसे ही बन गए. दे मे बी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट द ऑर्गेनिजम्स दैट आर डिवाइडेड ऑन द बेस ऑफ सेल नंबर. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर हैविंग वन सेल फॉर्म्स द होल ऑर्गेनिज्म. ठीक है, एक ही सेल है उसने सारा ऑर्गेनिज्म बना दिया. ठीक है, नाउ अगर एक ही सेल है, एवरी फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय अ सिंगल सेल. नो डिविजन ऑफ लेबर occurs. ठीक है, there is no labor division. Unicellular organism है, single celled है, तो single cell में कोई भी एक ही cell है वो सारा काम कर रहा है, तो no labor division. Okay? For example, इसकी examples क्या है? Amoeba, Paramecium. These are unicellular organisms. ठीक है, now up to next type. There are many cells in a single body of organism. ठीक है, multicellular cell है, multi means many, cell means cell, in a single body of organisms. Every function is performed by specialized cell. स्पेशल सेल्स होते हैं, डाइजेशन करने के लिए स्पेशल सेल्स हैं, एक्सक्रीशन करने के लिए स्पेशल सेल्स हैं, देन ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए स्पेशल सेल्स हैं. एवरी सेल, एवरी फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय स्पेशल सेल्स. अब स्पेशल सेल्स हैं तो डिवीजन ऑफ लेबर अकर्स. देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर. ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स ह्यूमन बीइंग, काउ, रैबिट एक्सेट्रा. ऑल द हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर इन नेचर. ठीक है, एक्सेट्रा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप इसके लिख सकते हो. इस चीज को अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ. जैसे कि हमारे घर में हमारी मदर है. ठीक है, वी आर हैविंग अ मदर एंड वो खाना भी बना रहे हैं, वो सफाई भी कर रहे हैं, वो कपड़े भी धो रहे हैं एंड वो बच्चों को पढ़ाने का काम भी कर रहे हैं एंड वो सभी का ख्याल भी रख रहे हैं. सो वन बॉडी इज परफॉर्मिंग मेनी फंक्शंस और इक्वली एवरी फंक्शन. मदर इज होल्डिंग द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हाउस, थस इट इज अ
एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेल ऑर्गेनिज्म. तो यूनिसेल ऑर्गेनिज्म में भी ऐसे ही होता है, डाइजेशन भी एक ही सेल कर रहा है, एक्सक्रीशन भी एक सेल कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन भी एक ही सेल में हो रही है. बट ऑन द अदर हैंड लेट अस टॉक अबाउट अ स्कूल. ठीक है, स्कूल में आपको साइंस कोई और टीचर पढ़ा रहा है, लैंग्वेज कोई और टीचर पढ़ा रहा है, आपके जो टीचर्स का हेड है वो कोई और है जो सारी बॉडी को संभाल रहा है, देन क्लासेस के भी मॉनिटर्स होते हैं जो मॉनिटर्स टीचर्स के पास पहुंचते हैं और क्लास को इंफॉर्मेशन, क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, देन फर्दर टीचर्स इंफॉर्म करते हैं प्रिंसिपल को. थस इट इज द एग्जाम्पल ऑफ मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स. मतलब लेबर डिविजन है ना. ठीक है, घर का काम है, मदर संभाल सकती है अकेले, इसीलिए वो संभाल रही है. बट स्कूल एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इसीलिए इसमें बहुत ज़्यादा लेबर डिवीजन की ज़रूरत है. हर बंदे को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से संभालता है. ओके, तो इसीलिए बात आ गई हमारी स्पेशलाइजेशन की. मैंने स्पेशलाइजेशन की, स्पेशल सेल्स की बात की है. अब जो साइंस वाला टीचर है तो ही और शी इज़ मास्टर्ड इन साइंस, है ना. उसने अपने सब्जेक्ट में मास्टर्स की हुई है, उसने अपने सब्जेक्ट में एक्सपीरियंस होल्ड किया हुआ है, वो अपने सब्जेक्ट का काम अच्छे से करना जानता है. और मैथ्स वाला टीचर है जो ही और शी इज मास्टर्ड इन मैथ्स. लैंग्वेज वाला टीचर है वो लैंग्वेज में मास्टर्ड है, तो वो अपने काम को बहुत अच्छे से करना जानते हैं कि कौन सा काम कैसे करना है. इसी टाइप से हमारे जो सेल्स हैं उन्होंने भी उसी टाइप की शेप एंड साइज ले रखी है ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सके. नाउ लेट अस कम टू द अदर टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, दैट इज प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के बेस में हमारे पास दो वर्ड्स, इन दोनों को हम दो वर्ड्स में तोड़ सकते हैं, यू एंड कैरियोटिक. प्रो एंड कैरियोटिक. प्रो मीन्स प्रिमिटिव, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब छोटा. कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस. ओके, इन दिस केस यू का क्या मतलब है, यू मीन्स ट्रू एंड कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस. तो इसका मतलब क्या बन गया, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आर द ऑर्गेनिजम्स दैट आर हैविंग ट्रू प्रिमिटिव न्यूक्लियस. दीज आर द ऑर्गेनिजम्स और सेल्स हैविंग प्रिमिटिव न्यूक्लियस. Eukaryotic organisms are the organisms that are having true nucleus. Organisms that are having true nucleus. Primitive nucleus and true nucleus में क्या difference है? हमारा nucleus है, basically it is the कैरियर ऑफ अवर जेनेटिक मटीरियल. हमारा जेनेटिक मटीरियल क्या है, आइदर इट कैन बी डीएनए और इट कैन बी आरएनए. डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है, बट एक जो प्रॉपर न्यूक्लियस होता है ना उसमें डीएनए एंड आरएनए के अराउंड डबल लेयर्ड होती है. दिस वॉल, दिस लेयर इज प्रॉपरली पोर्ड, मतलब पोर्स होते हैं इसमें, पोरस मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है, पोरस मेम्ब्रेन होती है. इसमें भी क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है. एंड ये जो हमारा मटेरियल है ना, ये जेनेटिक मटेरियल, इट इज टाइटली पैक्ड एंड कॉम्पैक्टली पैक्ड इनटू अ फॉर्म. इस चीज को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस. ठीक है, दिस थिंग इज नोन एज अ न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लियोलस इज द पार्ट दैट इज कंटेनिंग द ट्रू जेनेटिक मटीरियल. जो जेनेटिक मटीरियल होता है ना बेसिकली वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए. तो जेनेटिक मटीरियल इज टाइटली पैक्ड इन टू द
ऑर्गेनिज्म सेल प्रॉपरली. तो जो प्रोकैरियोटिक्स के पास न्यूक्लियस होता है ना, दैट इज बेसिकली प्रिमिटिव. प्रिमिटिव क्यों? क्योंकि उसकी ना ही उनके पास क्या होता है, सिर्फ एक सिंपल डीएनए या आरएनए होता है, ऐसे ही पड़ा होता है. उनके बाहर कोई भी लेयर नहीं होती है, उसके पास कोई प्रॉपर न्यूक्लियोलस नहीं होता, कोई सेपरेट न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं होता. थस दे आर नोन टू हैव प्रिमिटिव न्यूक्लियस. ठीक है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस होने की वजह से इन सेल्स को क्या माना जाता है, प्रिमिटिव सेल्स माना जाता है. नाउ अप टू अवर नेक्स्ट पॉइंट. They are not having proper, they are not having cell organelles. इनके पास cell organelles नहीं होती. Cell organelles क्या होती हैं? Mitochondria, ribosomes, etc. जो हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं. इनके पास प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास वो ऑर्गेनेल्स नहीं होती हैं. यूकैरियोटिक सेल्स आर हैविंग ऑल द सेल ऑर्गेनेल्स, हैविंग ऑल द सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन देयर सेल्स. फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरियाज, बैक्टीरियाज की जो भी क्लास है दे आर प्रोकैरियोट्स. ठीक है, एंड फॉर एग्जाम्पल ऑल द ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्ट बैक्टीरिया आर यूकैरियोट्स. हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स जो होते हैं हमारे, दे आर यूकैरियोट्स. अब इस चीज को हम कैसे समझ सकते हैं कि एक बंदा कहाँ पे रह रहा है, झोपड़ी में, और दूसरा बंदा कहाँ पे रह रहा है, घर में. घर में हमारे पास बेडरूम होता है, लिविंग रूम होता है, देन वी हैव अ लॉबी, देन वी हैव अ किचन, है ना. हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट काम करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट रूम्स होते हैं. पर झोपड़ी में ऐसा कुछ नहीं होता, वो एक सिंगल रूम होता है, वहीं पर खाना बनता है, वहीं पर लोग जो है नहाते हैं, वहीं पर सब कुछ होता है, गेस्ट भी आते तो वहीं पर रहते हैं. Thus, that is not specialized for, वो क्या है, एक प्रिमिटिव हो गया, प्रिमिटिव चीज हो गई, है ना. एक जो झोंपड़ी है दैट इज बेसिकली प्रिमिटिव थिंग. वैसे ही जो प्रोकैरियोटिक सेल है दैट इज अ प्रिमिटिव सेल, एंड यूकैरियोटिक सेल इज अ हायर सेल. इसमें क्या है, हर काम करने के लिए अलग अलग ऑर्गेनेली प्रेजेंट है. एनर्जी बनाने के लिए कोई और ऑर्गेनेली है, फूड बनाने के लिए कोई और ऑर्गेनेली है, एंड पैकेजिंग करने के लिए कोई और ऑर्गेनेली है. इन दिस वे यू कैन इमेजिन इट.